गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हार्ट पे प्लेयर की खबरों की। नगर के वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष स्वर्गीय फूलचंद दोसरिया की स्मृति में उनके जन्मदिन के अवसर पर अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के सहयोग से निशुल्क हृदय रोग परीक्षण एवं परामर्श शिविर बुधवार को नगर के शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी थे व कार्यक्रम की अध्यक्षता खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने की। विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दौलत तंवर, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवान सिंह उदावत, उन्नत कृषि सहकारी पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह पटेल, मार्केटिंग सोसाइटी अध्यक्ष कृपाल सिंह सेंदव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि बापूलाल दोसरिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष महेंद्र यादव, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह कवड़िया, पूर्व पार्षद धूलीचंद कुंभकार, शैलेंद्र सिंह सेंदवादी, मंचा सिंह थे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों द्वारा स्वर्गीय फूलचंद दोसरिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। सभी अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं भाषण कार्यक्रम के आयोजक दीपक दोसरिया ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय फूलचंद जी दोसरिया बहुत ही सहज, सरल व सादगी की मिसाल थे। उनका व्यक्तित्व सेवा भाव का रहा है। वो हमेशा लोगों की भलाई व सेवा के कार्यों में लगे रहे। आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी धरोहर के रूप में उनके पुत्र दीपक दोसरिया हमारे बीच में हैं, जो उनके पिता द्वारा बताए गए भलाई के रास्ते पर चलते हैं। आज हृदय रोग निशुल्क शिविर के माध्यम से सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य अतिथियों द्वारा भी स्वर्गीय फूलचंद दोसरिया के जीवन पर प्रकाश डाला गया। निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण व परामर्श शिविर में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश जैन व उनकी टीम द्वारा सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलना, थकान, छाती में जलन, घबराहट, धड़कन असामान्य होना, चक्कर आना, कम या ज्यादा बीपी के सैकड़ों मरीजों की निशुल्क जांच की गई। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मुकेश यादव बालाजी, विधायक प्रतिनिधि संतोष गोठी, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष कपिल तंवर, शकील खान, कपिल शर्मा, राम सिंह सेंदव, दादू आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार राजेंद्र वश ने किया व आभार भाजपा मंडल महामंत्री प्रवीण सक्सेना ने किया। पिताजी ने अनुशासन के साथ, संयमता के साथ अपने जीवन का कार्य बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया। उनकी इस 30 साल की राजनीतिक यात्रा में आप सभी का सहयोग किसी ना किसी रूप में उन्हें मिला है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम ऐसे व्यक्तित्व जो लगातार कहीं ना कहीं उनकी भावना जनसेवा की रही हो, और मैं तो ये कहूंगा कि जब पहले भी उनको जानता था, लेकिन इस चुनाव से जितना करीब से जाना, इतना हंसमुख चेहरा और उतना ही अपनापन जब मुझे मिला, वो अद्भुत है। वो छवि कभी विस्मृत हमारे जीवन में नहीं हो सकती। आज हमारे मैं इस बात से दिल से प्रसन्नता भी है, मन में दुख तो है उनके जाने का, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमें अगर कहीं ना कहीं धरोहर के रूप में हमारे भाई दीपक को देकर के गए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी अगर शुरुआत की है तो जन सेवा के कार्य से शुरुआत की है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। फूलचंद दोसरिया जी, जिनका हृदयघात के चलते निधन हुआ था, उनकी स्मृति में उनके बेटे के द्वारा और परिजनों के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हार्ट के पेशेंट्स की जांच की जा रही है और उन्हें यहाँ पर उपचार भी आगे के लिए लिखा जाएगा। आवश्यक होगा तो उन्हें इंदौर भर्ती करा कर भी उपचार करवाया जाएगा। निश्चित ही फूलचंद जी का बहुआयामी व्यक्तित्व था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित नेता थे, और उनकी स्मृति में इस तरह का कैंप आयोजित करके निश्चित ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि परिवार के द्वारा और हम सब तक के द्वारा। यहाँ पर शिविर में आपका आना हुआ तो किसी स्मृति में प्रोग्राम था या शिविर किस उद्देश्य के लिए लगा है? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान और सेवाभावी कार्यकर्ता और यहाँ के पार्षद रहे हमारे फूलचंद जी दूसरिया,
की स्मृति में, क्योंकि वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज उनकी जन्म जयंती का अवसर है और इस समय ये स्वास्थ्य शिविर का प्रशिक्षण यहाँ पर किया जा रहा है अपोलो राजश्री के माध्यम से, जो उनके पुत्र दीपक दीक्षा द्वारा यहाँ पर आयोजन रखा गया है। हम सब उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, इसलिए जो उनकी जन सेवा का कार्य उन्होंने बीड़ा उठाया था, लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम और जनता की सेवा का काम धोसरिया परिवार और पूरी हमारे जितने भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम सब मिलकर उनकी स्मृति में ये काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से स्वर्गीय पिताजी की जन्म जयंती के अवसर पर यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इसमें इंदौर के डॉक्टर अखिलेश जैन जी के मार्गदर्शन में हार्ट अटैक का परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही बीपी, ब्लड शुगर और आँखों की मशीन द्वारा जांच की गई है। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से यह शिविर का स्वर्गीय पिताजी की जयंती पर आयोजन किया गया है। अभी तक 200 से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी क्रम सतत जारी है।